शुरू करते हैं डाउट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो डीपीपी वन से शुरू करते हैं, ठीक है। डीपीपी वन में कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर वाइज मैं बोलता जाता हूँ, अगर कहीं पे डाउट है तो यू स्टॉप मी, है ना, बोलो सर ये डाउट है। ओके सर, डीपीपी वन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट डीपीपी टू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सर इस बेटा सर डीपीपी वन में अगले पेज में वापिस 2 और 3 है ना? हाँ उनमें डाउट है 2 और 3 में। यस हाँ सर, एक में है वो, एक बार बता दो ना। देखो सेकंड में क्या लगा, प्रूफ दैट लाइन x इज इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू y एक्सिस। अरे ये तो बताया तो था मैंने, इसको टू वेरिएबल में लिखोगे तो कैसा लिखा जाएगा, x plus 0y minus 5 is equal to 0, now coefficient of y is 0, so line is parallel to y axis, सही है ना? So, नोट लिखवाई ना मैंने आपको, उसना. बस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी और कहां से पास होगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट कर लोगे ना, 5, 0, 5, 1, 5, 2। भाई x तो हमेशा 5 ही रहेगा, यहाँ से पता चल गया आपको, y की वैल्यू कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 into anything is 0, है ना? तो इसका अगर कोई बोलता है आप इसका ग्राफ बनाओ तो टू वेरिएबल में इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा ना, दिस विल बी x इज इक्वल टू 5 लाइन। बोल गए क्या आप लोग, बताया तो है ये मैंने। यस सर। सो यस पार्थिव, सर डीपीपी 1 के क्वेश्चन 5 का रोमन न्यूमरल 10 वाले में मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, वो एक बार दिखा दो। यस सर। यस सर 29/7 आ रहा है। अच्छा फिफ्थ का 10 देख लेते हैं, डीपीपी 1 में क्वेश्चन 5 का 10। सो गिवन टू यू इज 5x plus 3y is equals to 14, 2x plus 4y is equal to 15, you have to find what is x plus y. So when I solve this, what do I come to know? देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले एक्स और वाई कैसे निकालोगे, ओलंपियाड के पहली क्लास में हमने जब डिस्कस किया था हमने क्या बोला, आप चाहो तो इनको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे आप, इसमें से निकाल लेते हैं। देखो क्या कर सकते हो, 2x को लिख सकते हो 15 - 4y और x को लिख सकते हो 15 - 4y/2, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, 5 × 15 - 4y/2 + 3y is equal to 14, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 15 - 4y + 6y = 28, तो ये क्या हो जाएगा 75 - 20y + 6y = 28, ये क्या हो जाएगा 14 of y = 75 - 28, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 47, तो y आ जाएगा 47/14 सर, y निकल गया, इसमें पुट कर दो x आ जाएगा 15 - 4 × 47/14/2, x क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास 14 × 15 करोगे आप तो 150 + 60 = 210 - 4 × 47 करोगे आप। एक काम कर लेता हूँ मैं, रादर देन गोइंग फॉर दिस हेफ्टी कैलकुलेशन, थोड़ा सा कट होती है चीज़ें तो कट कर लेता हूँ। कैसे कट हो जाएगी, 2 × 7 × तो ये बन जाएगा 15/2 - 47/7, सही है। एलसीएम ले लोगे तो 15 × 7 कितना हो जाएगा 105 - 94/14, ये कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 11/14, सही है। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आपके पास 5 और 6, 11/14 और 47 हो जाएगा 58/14, यही आ रहा है आप लोग का। इसको सिंपलीफाई कर दोगे 29/7 आ जाएगा, ठीक है, यही आ रहा है। यस सर। यस सर। पर आंसर सर 4 है इसलिए वो ऊपर का 29/8 होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, 56 आता तो 4 आ जाता और 56 आने के लिए ऊपर जो यहाँ डिफरेंस बन रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे डिफरेंस को भी कम होना पड़ेगा 2 से, तो 14 हो जाता तो बात बन जाती,
103 हो जाता तो बात बन जाती। ना 103 का मतलब क्या है आपके पास 49 हो जाता तो बात बन जाती, ठीक है ना, तो बनने को तो बन सकता था, लेकिन इसका आंसर 29/7 आएगा सॉल्विंग को, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो चेक कर लो आपने पहला क्वेश्चन किया है ना। हां, रूल 5 क्वेश्चन 10, डीपीपी 1 क्वेश्चन 5 का 10th और डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है। 3 करने की जरूरत नहीं है, y is equal to 7 मतलब लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट डीपीपी 2 में आ जाते हैं। डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sir 18 18 draw the graph of y sir? is equal to 2x। yes Aryan sir, 11th mein ek bar mein doubt hai sir, 11th mein 11 में draw a triangle whose sides are represented by x is equal to 0। ये तो ग्रुप में डाला था मैंने, हाँ बोल दिया, हो गया ना। हाँ सर 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 सर, h plus y is equal to 3 है तो सर h 2 और 1 दोनों ही ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, जैसे h plus y 3 दिया हुआ है तो सर h 2 ले सकते हैं और y 1 ले सकते हैं, और y 1 और हाँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो लाइन है, लाइन पे तो इनफिनिट मेनी पॉइंट है, जो चाहिए लो ना। हाँ सर, इसमें डाउट क्या है, लाइन तो आप अपने पसंद से बनाओ, लाइन तो जैसा आपको बनानी आप बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। 18th, y is equal to 2x where r is the replacement set for both x and y। हां ठीक है ना, वो पीछे वाली चीज को इग्नोर कर दो, y is equal to 2x का ग्राफ बना देना आप, ठीक है ना। वो सेट का मतलब क्या बोल रहा है कि जो x और y है वो कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं, r represents real numbers। y is equal to 2x का ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपके पास, this should be the graph of y is equal to 2x। 19, 20, 21, 22, sir 20, 20 में करेगा, how many solutions of the line are there in the number line and cartesian plane? number line पे तो linear equation one variable का बेटा कितने solution होंगे, one solution, yes one solution linear है ना, yes, और cartesian plane में line बनेगी तो कितने solution होंगे, infinitely many, yes sir। 21, 22, खत्म। DPP 3 में आ जाते हैं। DPP 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. क्या 2, 2, 2? Determine the point on the graph whose ordinate is 1 half times its x। तो बेटा एक इक्वेशन आपको दी है 2x plus 5y is equal to 19। अब इसमें क्या है जो ऑर्डिनेट है, मतलब जिसका y कोऑर्डिनेट है वो डेढ़ गुना है किसके, एब्सिसा के, तो बोल सकते हैं 3/2 times एब्सिसा is nothing but the ordinate। तो लिख लो आप बस खत्म, y क्या दिया हुआ है 3/2x दिया है, वो रख दो आप, अब सारा कर लोगे, ओलंपियाड एक बार बता दिया ना आपको, तो ये तो सब आसानी से हो जाएगा आपसे। 2x plus 15x upon 2 is equal to 19, तो होगा क्या 4x plus 15x is equal to 19 into 2, 19 से 19 कट जाएगा, x is equal to 2 आ जाएगा, सही है ना, और x 2 आ गया तो y 3 आ जाएगा, सही है। 3, 4, 5, 4 draw the graph of the linear equation whose solutions are represented by the points having some of the coordinates as 10। fourth wala to aur aasan hai bhai, ek number kya hota hai, ek ek line ke upar point ka x comma y coordinates ka sum kya bol raha hai 10 hona chahiye, to line kya ban jayegi x plus y is equal to 10, khatam, iska graph bana loge na aap, yes sir, theek hai na, graph bana lena। 5 fifth wala is same hai second, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्लासरूम क्वेश्चन, 12, 13, 14, सर 13, 13 में क्या लिखा है, पोज एग्जेक्टेड टू पुल दिस रिजल्ट, ठीक है, मतलब क्या है इसका, फोर्स एग्जेक्टेड ऑन अ बॉडी, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बचपन से सिखाया, ठीक है ना। F is equal to ma, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, express the statement linear with two variables, ठीक है, कर दिया, draw the graph for the same taking constant mass to 6 kg, equation क्या बन जाएगी, let force be y, force को क्या ले लिया y, acceleration को ले लिया x, mass क्या है constant है कितना 6, तो क्या हो जाएगा y is equal to 6x, इसका graph बना लोगे ना आप, ऐसा ग्राफ बन जाएगा सर, बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना, यस सर।
सही। और सलमान? यस सर। यस ब्रो। सर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओलंपियाड की 1, 2 और 3 के ड्यू डेट नहीं दिए क्या? नहीं दिए सर। नो सर। वो डेडलाइन एक्चुअली नहीं दी है, वो एक्चुअली इसीलिए नहीं दी है क्योंकि ओलंपियाड ड्रिल कोऑर्डिनेट की नहीं दी है डेडलाइन। नहीं सर, आज ही डाल देता हूँ कल का ड्यू डेट, ठीक है ना? आप सबमिट कर देना। 13, 14 खत्म। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, एमसीक्यू 1 में आ जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 में आया था सर, मैंने पूछा था तो सेकंड सेकंड समझा दूं। ठीक, एक सेकंड। अपडेट हो रहा, पता है खुद ही स्टार्ट हो गया। एक सेकंड। सर 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड में क्या लिखा था? इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन इन x एंड y r। रियल नंबर हो जाएगा ना बेटा, 2x + 5y = 7 के सॉल्यूशंस कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे ना, रियल नंबर्स इसके आंसर्स होंगे। सर रियल नंबर होंगे तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे ना सर, नेचुरल नंबर में यूनिक सॉल्यूशन होगा ना। यस सर। ठीक है, मैं समझा नहीं क्या मतलब। ऐसा यूनिक बोला ना, रियल नंबर्स में तो कुछ भी आ सकता है ना। अच्छा 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 अच्छा, the equation 2x + 5y = 7 has a unique solution। Yes sir। इसका एक solution आप बताइए, वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? इसका unique solution एक बताइए आप। तो unique solution कौन सा होगा? एक काम करते हैं, line बना लेते हैं ये वाली। तो ये वाली line का एक unique solution, equation 2x + 5y = 7 has a unique solution if x and y are। अच्छा हाँ, मतलब ये एक्चुअली ऐसा बोलना चाह रहा है, 2x + 5y का सेट मतलब एक 1, 1 होगा ना सॉल्यूशन, 1, 1 एक सॉल्यूशन होगा। और यस सर, यस सर, उसका कोई मल्टीपल और 5 का मल्टीपल नहीं, लेकिन यूनिक कैसे होगा यार? देखो अगर आपने x y की वैल्यू मान लो y की वैल्यू आपने डाल दी -1, तो x कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना, 6 सही है ना? तो 6, -1 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। पॉजिटिव, या मैं ऐसा बोलूं नेचुरल नंबर्स बोलूं तो ठीक रहेगा ना सर? अगर नेचुरल नंबर होगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा ना 1 का, तो वही तो चाहिए। यूनिक का मतलब क्या? यूनिक का मतलब तो बेटा 2 में यूनिक होता है यार, यूनिक मतलब एक, ठीक है ना? कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए शुड बी रियल नंबर्स। द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। x और y क्या होगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अरे कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाएगा तो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा ना, इनफिनिट में नहीं होगा। ठीक है सर, जीरो भी कर सकते हैं। अगर नेचुरल नंबर डालेंगे तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर अगर होता है तो आपको यू विल गेट ओनली 1 सॉल्यूशन। आंसर आई थिंक नेचुरल होना चाहिए, लेकिन जो ये यूनिक बोल रहा है, यूनिक तो कब हम बोलते हैं? जब एक सॉल्यूशन हो। तो मेरे हिसाब से नेचुरल नंबर्स ठीक है, क्योंकि और मुझे नहीं लगता कि इस
ये वाली वैल्यू जो होगी इसकी, ये वाली y0 पुट करने पे आ जाएगा 7 अपॉन 2, और ये वाली वैल्यू मुझे मिलेगी लेट्स से ये वाला आपको मिल जाएगा 0.7 अपॉन 5, तो राउंड अबाउट 1.4 इज दिस एंड दिस इज 3.5. तो 1.4 और 3.5 में जो रीजन लाई कर रहा है ये वाला, मुझे नहीं लगता 1.1 के अलावा कोई और सॉल्यूशन इसके अंदर है. आप चाहो तो चेक कर सकते हो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं. एक तो 0.0 वो लाइन पे लाई नहीं करेगा, 0.1 नहीं कर रहा है, 1.1 कर रहा है, और 2.0 भी नहीं कर रहा है. तो आपका आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर्स अगर होते हैं तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बाकी नहीं तो इनफाइनेटली मेनी आ जाएंगे उसके. ठीक है ना, तो आंसर शुड बी सिर्फ 1 को. हां सर वही नेचुरल का सिर्फ सर नेचुरल नंबर सिर्फ एक ही नंबर आएंगे, पर सर दूसरे में सर बहुत सारे नंबर आ सकते हैं. हां वही ग्राफिकली हमने देख लिया. ठीक है ना, तो फोर्थ पे आ जाते हैं. तो नेचुरल कर दो इसके आंसर को. नेक्स्ट, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 = 0 इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म. अब इसको करने का तरीका क्या, देखो इसके ऊपर जो पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा. तो मैंने क्या बता दिया, मैंने बोला 2x की वैल्यू 9 के बराबर, माइनस 9 के बराबर है, x की वैल्यू माइनस 9/2 है. तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला ये एक ऐसी लाइन है जिसमें y का कोएफिशिएंट मिसिंग है, मतलब y का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है. तो ये ऐसी लाइन बनेगी, पास कहाँ से होगी, माइनस ऑफ 9/2, 0 से पास आउट होगी. अब सिर्फ 9/2, 0 से पास होगी, नहीं ये भी गलत है. इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो माइनस 9/2, something होगा. तो वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका. 5, 6, 7, 8, 9, 8 द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. बेटा एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है ना. बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0. क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0. क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा. सही है. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस अगर कोई पूछता है तो वो हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, 9 भी हो गया आपका, 10, 11, 12. इंटरसेप्ट का मतलब पता है आपको, इंटरसेप्ट का मतलब पता है आपको, जैसे लाइन बना दिया मैंने तो ये जो लेंथ कट कर रही है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको y इंटरसेप्ट बोला जाता है और इसको x इंटरसेप्ट बोला जाता है. हेलो सर, व्हाट इज माय वैल्यू सर, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो योर एमसीक्यू 1 इज डन, कांग्रेचुलेशंस. एमसीक्यू 2 में आ जाते हैं. 1 2 3 4 1 1 The graph of x is equal to 15, बेटा. क्या होगा? Parallel to y axis. Y coefficient 0 है ना? Sir, answer में तो intersecting both the axis. Yes, sir. तो उसको change कर दो ना. कोई बात नहीं. जिस जितने प्यार से उसने गलत आंसर लिखा उतने प्यार से हम आंसर को सही कर देंगे, है ना? Next, first, second. Question 2. So if the list price of the books is reduced by 5, a person can buy 5 more books for 300. अच्छा, ये तो भाई आपका 8th का question है. देखो, let the number of books be x, जो वो purchase कर पाता था. Let number of books that he can purchase be x. Now if the list price, ठीक है ना? नहीं, एक काम करते हैं, हम कीमत fix करते हैं, cost को fix करते हैं, क्योंकि books तो क्या change होती जा रही है, पहले कम है फिर ज़्यादा है. तो मैं बोल देता हूं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक, ठीक है ना, बी एक्स रुपीस. ठीक है ना, तो हुआ क्या, एंड द नंबर ऑफ बुक्स दैट ही कुड परचेस, ठीक है ना, दैट इज वाई. उसने क्या बोला, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, मैंने क्या कर दिया, प्राइस को एक्स माइनस 5 कर दिया. अब वो क्या कर रहा है, वो 5 ज्यादा बुक खरीद पा रहे हैं, कैन बाय 5 मोर बुक्स. 5 मोर बुक्स का मतलब क्या है, y प्लस 5. अब 4 रुपीज 300, ठीक है ना, तो कितने रुपए में, 300 रुपए में. ठीक है ना, अब टोटल इसके पास पैसे कितने हैं, 300 है. तो मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूँ, xy किसके बराबर है, 300 के बराबर है. कैन आई से दैट,
ठीक है, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस बाय 5, मतलब बुक की अगर कीमत 5 से कम हो गई, पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स फॉर ₹300, तो ₹300 में 5 किताबें और वो खरीद सकता है। तो हमने y प्लस 5 कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, एक्स वाई प्लस 5x माइनस ऑफ 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 300, क्योंकि पैसे तो अभी 300 ही है, पहले कम 5 पहले जितनी किताबें ले रहा था और एक किताब कितने में उसको पढ़ रही थी, उसके कंपैरिजन में अभी 5 किताबें ज्यादा लेगा, है ना, कब, जब ₹5 कीमत किताब की कम हो जाए, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। ये सारे एक और बार समझाओ ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस बाय 5, मतलब बुक की अगर कॉस्टिंग 5 से कम हो जाती है, पर्सन 5 किताबें ज्यादा खरीद सकता है। तो अगर पहले x कॉस्टिंग थी और y बुक्स खरीदता था, तो उसके पास टोटल कितने रुपए खर्च करता था, वो एक्स वाई रुपीज खर्च करता था, जो कि 300 के बराबर है। अब क्या हो रहा है, 5 किताबें कम खरीद, 5 रुपए किताब की कीमत कम हो गई है, तो x माइनस 5 उसकी नेट कॉस्ट है, 5 बुक्स ज्यादा परचेज हो रही है, तो y प्लस 5 उसने टोटल नंबर ऑफ बुक्स खरीदी है, तो वो कितने के बराबर होगा, अभी ₹300 ही थे उसके पास, तो यहाँ से पता चला x y से कट गया, 5x माइनस ऑफ 5y इक्वल टू 25। यस बेटा सर, तो आपने ब्रैकेट्स खोली ना फिर, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, तो इसके बाद क्या आ गया, x माइनस y की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, x माइनस y की वैल्यू 5 है और x y की वैल्यू 300 है, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे साइमल्टेनियसली, बहुत आसानी से कर सकते हो, 300 के फैक्टर्स निकाल लो आप, 300 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 30 × 10, वन मोर फैक्टर 15 × 2 × 10, तो क्या नंबर आ गया, 20 आ गया और 15 आ गया, इज इट क्लियर, दो नंबर्स आ गए 20 और 15, और वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, y की वैल्यू 15 आ जाएगी, सही है, समझ आ गया। तो हर किताब की कॉस्ट कितनी, ₹20 है और टोटल 15 किताबें खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4, 5, 4, हाँ सर, मुझे लगता है फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लगा होगा, 3 सेकंड, यस बेटा दीप क्या बोल रहा है सर, फर्स्ट वाले में ऐसा कौन सा केस होगा जब दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, हर लाइन दो एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ना, ऐसी होती है ना लाइन, दोनों को कट कर रही है, यस सर, जो खास लाइनें हैं जो कट नहीं कर रही है, बाकी हर को भी तो कट करेगा ही, यस सर, ठीक है, 3 तरीके की लाइन होती है, जो एक सीधी वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, एक एक्स एक्सिस के, और एक ओरिजिन से पास होती है, ठीक है ना, वो कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं बना पाएगी, ठीक है ना, या उसके बोल दो आप दोनों एक्सिस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, यस सर, चलिए फोर्थ क्वेश्चन मुझे लगता है करना पड़ेगा, फोर्थ हो गया आपसे, नो सर, फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन, नो, देखो फोर्थ वाला आप कैसे करोगे, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, मैं चाहता हूँ इसको एज एन एक्टिविटी आप थोड़ा सा करो। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, हम हमारी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए अब क्वाड्रेटिक्स के ग्राफ भी सोचेंगे, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, x को कभी 0 ले लो तो उसके हिसाब से y निकाल लो, है ना, ये ग्राफ 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूं ना, बिल्कुल, ठीक है ना, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन का कभी भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं कलेक्टिवली, क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं कलेक्टिवली, और वो पॉइंट्स कैसे लिए जाते हैं, भाई मान लो आपने x लिया, ठीक है ना, x की वैल्यू आपने ले ली 1, तो y क्या आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो एक पॉइंट 1, 3 इस ग्राफ पे लाई करेगा, फिर दूसरा x का वैल्यू 2 ले लिया, तो y कितना हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 6 हो गया, तो 2, 6 एक पॉइंट हो गया, फिर x का वैल्यू मैंने -1 ले लिया, तो y का वैल्यू 1, 2, 3 हो गया, तो -1 पे भी आंसर 3 आ गया, तो ऐसे कुछ 8-10 पॉइंट लिए आपने और ग्राफ को कलेक्टिवली ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, ऐसे 8-10 पॉइंट आपने ले लिए और एक ग्राफ को अगर आपने कलेक्टिवली ड्रॉ कर लिया तो आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना, तो एक एक्टिविटी आपके लिए, क्योंकि आपको 10 पॉइंट लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, सेम इसके भी 10 पॉइंट लेना, इसका अलग से ग्राफ ड्रॉ करना, सेपरेट इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना आप सेपरेटली, और फिर दोनों को क्लब बताओ मेरे को, आप क्या बोल रहे हो सर, ये पॉइंट्स कैसे आए वो बताओ मेरे को, x की वैल्यू बेटा 1 ले लिया आपकी पसंद से, जैसे लीनियर इक्वेशन में कैसे लेते हो आप,
वैसे x1 ले लिया आपने अपनी पसंद का, आंसर y मिल गया. अब x पता है y पता है तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 1,3 अगर 2D प्लेन में ड्रॉ करेंगे. फिर x आपने दूसरा अपनी पसंद से 2 ले लिया, फिर x माइनस 1 ले लिया, सही है ना. तो अपनी पसंद से आप ले सकते हो x की वैल्यूज, अकॉर्डिंगली y मिलेगा और उसको प्लॉट कर लोगे आप सर. और उसके बाद क्या करोगे, एक सेकंड दीप, ठीक है ना. तो एक बार आपके पास सारे पॉइंट्स कलेक्टिवली आ जाते हैं, आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है सारे पॉइंट्स को. जैसे स्ट्रेट लाइन बनती थी तो उसमें क्या सारे पॉइंट्स कोलिनियर आते थे, इसमें सारे कोलिनियर नहीं आएंगे, कोई इधर 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 ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, तो उनको ज्वाइन करना है आपको कलेक्टिवली. कोलिनियर नहीं है डेटा सर. आर्यन वो तुम्हारा एक्टिविटी है, वही काम है, ठीक है ना. यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है सर. ज्वाइन करने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है, ज्वाइन कर लो ना, बस इतना ही काम है आपका, आपको सिर्फ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना. यस सर. ठीक है सर. तो वो इक्वेशन y = x² + 2 होगी सर. सलमान बोलो, तुम्हारा म्यूट हो गया सर. वो इक्वेशन y = x² + 2 ही होगी ना, सबने यही यूज कर लिया. ये इक्वेशन जो दी है उसका ग्राफ बनाने की मैं स्टोरी कर रहा हूँ. फिर y is equal to minus x square लोगे तो उसका अलग इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ अलग से बनेगा ना, है ना. जैसे जितने इक्वेशन जो देगा उतने उतने अपन ग्राफ बना सकते हैं. तो आपको एक्टिविटी के लिए क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन अपन यही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. आप इनके ग्राफ बना लेना और ग्राफ बना के मेरे पास रेडी आना, ठीक है ना. तो जब मैं ग्राफ बनाऊँ तो ऐसे नहीं होना चाहिए सर ये कैसे आया, ठीक है ना. तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ ऑफ देम. आपको ग्राफ बना के ज्वाइन कर लेना है सारे पॉइंट्स को और मुझे बताना है कि कैसा कर्व है, कैसा दिख रहा है, इसका नेचर क्या है, ठीक है ना. यस सर. ओके नेक्स्ट दीप, कोई डाउट है बताओ. सर मैं बस वही पूछ रहा था कि इसमें 8 से 10 पॉइंट का लेने, 3 क्या मिलेंगे इसमें. 3 पॉइंट लाइन में इसलिए थे क्योंकि वो लाइन बनती है, एक लाइन के लिए 3 पॉइंट काफी है. ये लाइन नहीं बनेगी, कर्व बनेगा, ठीक है ना. यस सर. भाई जिसको अपन हम कैसे पता चला 3 पॉइंट काफी है, जब तुमने पहली बार लाइफ में लाइन बनाई होगी तब तो देखा होगा ना, हाँ 6-7 पॉइंट के बाद एक लाइन ही है तो बन रही है यार, इससे 2 पॉइंट से ही लाइन बन जाती है, तो 6-7 लेने की क्या जरूरत है. तो कर्व जब देखोगे तब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कर्व 1-2 पॉइंट से नहीं बन रहा है, ये कर्व का नेचर हमें बहुत सारे पॉइंट से आइडेंटिफाई हो रहा है. और शुरुआत है तो शुरुआत में तो 8-10 पॉइंट लेना ही पड़ेगा, इसके बाद में अगर ट्रिक बताऊंगा तो एक पॉइंट से ही आप पूरा कर्व बना लो, ठीक है ना. यूजुअली कर्व हम पॉइंट्स की मदद से भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली बना देंगे, थोड़ी चीजें जानेंगे इसके बारे में. लेकिन पहले आपको नेचर पता होना चाहिए, इसको बोलते क्या है वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ग्राफ बना के, ठीक है. चलो नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे. तो आपके लिए एक्टिविटी है, ये दोनों ग्राफ आपको बनाने हैं, ठीक है. नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15. फिफ्टीन में क्या लिखा है, बिल्कुल 0,0. भाई देखो 15 कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, आंसर क्या होगा, देखो बहुत ही आसान तरीका. 15 में क्या दिया है, x जब 0 होता है तो y 0 होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म जो होगा कर्व के अंदर वो 0 होगा. कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 0 होगा. तो जो इक्वेशन एक्सपेक्टेड है वो ax + by = 0 वाली इक्वेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना. समझ आ गया सबको, सही है. तो आपका डी ऑप्शन यहां से डिस्कार्ड हो जाता है. ये सारे सर बट 16 वाला भी पहले 15 करेंगे ना, ऑर्डर में पहले 15 है, लो 15 फर्स्ट. हां सर मैं बता, तो डी वाला आपका ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट आपको यहां से क्लियरली दिख रहा है कि 1,2 है और एक पॉइंट है -1,-2. तो यहां से अगर आप इतने स्मार्ट हो तो आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो ऑर्डिनेट है वो ट्वाइस ऑफ एब्सिस है, ऑर्डिनेट है वो ट्वाइस ऑफ एब्सिसा है, तो इक्वेशन हो जाएगी काम खत्म. अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन जितनी दी है उन सब में पॉइंट्स डाल दो और निकाल लो, ठीक है ना. नेक्स्ट 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ. तो 0,4 पे से जा रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखना मैं क्या क्या नोटिस करता हूँ. 0,4 देखता हूँ और -2,0 देखता हूँ, ठीक है ना. और एक पॉइंट दिया हुआ है 1,6, ठीक है ना. उसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो मैंने आपको एक चीज बताई है भाई, ax plus by plus c is equal to 0 जनरल इक्वेशन का है. दो मेथड है, मेथड 1, मेथड 2. मेथड 2 जब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आप पॉइंट पुट करके देखो, पुट पॉइंट गेट द आंसर.
जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं ओरली देख के बता सकता हूँ आंसर क्या होगा, ए तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म जीरो होने के लिए लाइन ओरिजिन से पास होना चाहिए, जो कि लाइन कभी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाई इज इक्वल टू टू माइनस फोर कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है ना। ये ऐसा अगर लिखा होता टू एक्स माइनस फोर तो हम इसको कंसिडर करते और सॉल्व करने की कोशिश करते, ठीक है ना। मुझे लगता है वो टू एक्स माइनस फोर ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको अगर डाउट भी हो रहा होगा तो आंसर टू एक्स माइनस फोर ही होगा, है ना, सही है ना। जो सी है वो पॉइंट्स पुट करके देखोगे तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है इसको, 0.4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो डी में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में करेक्शन कर लो, वाई को लिख दो 2x माइनस, क्या करोगे इसमें, वाई को लिख दोगे 2x प्लस 4 लिख दो, ठीक है ना सर, 2x प्लस 4 में आ जाएगा, 2x प्लस 4 लिखो, ठीक है ना, 2x प्लस 4 लिख दिया उसको, ओके। नेक्स्ट 17, 18, 19, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, MCQ 2 खत्म, MCQ 3 में आ जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई बात नहीं, जिन्होंने सॉल्व किया उनके लिए है, ठीक है ना। बाकी आपको भी कभी सॉल्व करोगे तो आ सकता है डाउट, तो उसको नोट कर लेना अगर कोई पूछता है तो कुछ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कॉन्ग्रेचुलेशन खत्म। MCQ 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12. 12. 12. The graph of the equation is a line perpendicular to x-axis. भाई x-axis के perpendicular का क्या मतलब है? Parallel to y-axis हो गई ना? तो parallel to y-axis कौन सी line होगी? X is equal to minus 2 ही तो होगी, ठीक है ना? नेक्स्ट 13, 14, 15, 16, 17, 15 में क्या लगा? इफ 4 इयर्स अगो महेश वाज एक्स इयर्स, हिज एज आफ्टर 4 इयर्स विल बी एक्स प्लस 8। 15 का सी कर लें आप, ठीक है ना, एक्स प्लस 8 आएगा आंसर, ओके। 4 साल पहले एक्स इयर्स था तो 4 साल बाद कितना होगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा ना। 4 साल भी तो कवर करना है प्रेजेंट में आने के लिए और 4 साल आगे जाने के लिए। 16, 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
तो मैंने बोला कि मीटिंग आईडी से ज्वाइन करके देख नहीं होता तो फोन करना कॉल आया था मुझे लेकिन अभी क्लास चल रही है हां सर मेरे पास भी आया था 16th क्या लिखा 16th हो गया 17 18 19 20 21 22 तो 19 In a two-digited number, the digits at units place is x plus 11. 19 में क्या लिखा है? The digit at units place. Unit place पे जो digit है वो क्या x plus 11 है. और digit जो tens place पे है वो x minus 1 है. ये tens place है, ये units place है. Then the number is. तो भाई 10 times tens कर लो ना. Plus units. तो 11x minus 10 तो 11x plus 1 आ जाएगा. आंसर रॉन्ग है चेंज करने आप ठीक है ना डी आंसर आ जाएगा नेक्स्ट सर 16 आपने 16 नहीं किया 16 बेटा सेम 14 की तरह 15 की तरह है ना 5 इयर्स अगो द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज x इयर्स सम ऑफ द एजेस आफ्टर 5 इयर्स भाई फादर और सन का सम x है 5 साल पहले तो 5 साल के बाद फादर की x + 10 और 10 उसका भी ऐड होगा ना सन का तो 20 आ जाएगा ना सी 16 का 16th का सी आ जाएगा ना सही है यस सर भाई 10 साल फादर की एज भी बढ़ेगी 10 साल बच्चे की एज भी बढ़ेगी ना तो 20 इयर्स दोनों में इंक्रीमेंट हो जाएगा ना नेट एज एक्स प्लस 20 हो जाएगी ओके 19 हो गया 20 21 22 23 नहीं है चलो खत्म असाइनमेंट्स में आ जाते हैं असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 असाइनमेंट 3
असाइनमेंट फोर यस असाइनमेंट थ्री में सिक्स्थ वाला असाइनमेंट थ्री में सिक्स्थ वाला वही है बेटा फोर्स वाला क्वेश्चन है सेम वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना इसमें क्या डाउट है बताओ क्या डाउट सर वर्क डन क्या होगा वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैथ्स का कॉन्सेप्ट थोड़ी फिजिक्स है तो लिखा है ना एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिखा था यस सर ये आपको नहीं पता क्या वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नो सर नो सर चलो मैथ्स के टीचर्स आप फिजिक्स भी थोड़ा सीख ले वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना वर्क डन ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ठीक है ना यस सर नेक्स्ट और वो क्वेश्चन से देखो आपको फिजिक्स आना नहीं चाहिए लिखा है इसने वर्क डन ऑन अ बॉडी एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन तो वर्क इज नथिंग बट लेट्स से वाई एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी के ऊपर वर्क होगा वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा है ना यस सर सही है ठीक है ना 7 8 असाइनमेंट 4 चलिए ठीक है बढ़िया कंप्लीट डन टिल असाइनमेंट 4 डन एंड डस्टेड सो ओलंपिया ड्रिल बाकी है सर वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है ना असाइनमेंट 4 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है रेस्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम ओलंपियाड की थ्योरी और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आपको करने हैं ठीक है